आप सभी को नमस्ते। मेरे इस चैनल को प्लीज आप सभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन म्यूजियम वाली हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी वीडियो अपलोड करेंगे। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इतना ज़्यादा बड़ा है और इतनी ज़्यादा वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वराइटीज़ हैं, यू नो, कि एक सिंगल पार्ट में तो उसको अपलोड करना नामुमकिन ही समझिए कि है। तो हम लोग इसका छोटे छोटे पार्ट में अपलोड करेंगे, तो आप लोग हर पार्ट को देखिएगा और हर पार्ट को ही प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करिएगा एंड लाइक करना ना भूलें। इन्वर्टिबल फॉसिल गैलरी में, यानी कि यहाँ पे जो पुराने कंकाल होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो पूरा शूट करना तो देखो लोग पूरी शुरू करते हैं, छोटा छोटा ही सही लेकिन पूरा उसका शूट कर सके और आप लोगों को एक एक का डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सके। ये देखिए ये कैसा है, यहाँ पे एकदम साफ लिखा हुआ है कि हाथ लगाना मना है, यानी हम लोग इसको छू नहीं सकते हैं। ये जो है वो बरसिंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंडियर, ये रेंडियर का स्केलेटन है जो कितना ही विकराल रूप में यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है। ये हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफी बड़ा एक टर्टल है, टर्टल को दिखाया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मैं यहाँ मीटर रन करके इसको मेजर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग देखिए बहुत सॉलिड इसको एक आकार दिया गया है। हम लोग इस बॉक्स में देख सकते हैं कि ये जंतुओं का जीवाश्म है जो कि 20.8 करोड़ वर्ष पहले से भी ज्यादा की ये पुरानी है। और ये सारे छोटे छोटे अवशेष जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे जंतुओं के ही अवशेष भाग है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी सेम है कि आपकी 24.5 करोड़ से भी ज्यादा पुरानी जंतुओं के जीवाश्म है और जिनके ऊपर हर किसी को एक नंबरिंग किया गया है। नंबरिंग जो है वो लोग अपने एग्जीबिशन के हिसाब से लगाते हैं ताकि लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मिनिमम 20 बॉक्सेस हैं जिसमें सारे जीवाश्मी ऐसे हैं जो 24 to 28 करोड़ वर्ष पुरानी है। हम लोग सभी में देख रहे हैं कि सभी में सेम ही है, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं, सभी का आकार अलग अलग है लेकिन सब अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अद्भुत है, जो हर चीज को अलग 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 जीवाश्म को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये काफी बड़ा है, वो बड़ा है, इन सबको नंबरिंग किया हुआ है। तो किसी का हम लोग और भी एक चीज नोटिस कर रहे हैं दोस्तों कि सबकी साइज अगर बड़ी है, शेप अगर डिफरेंट है तो कलर भी सबकी अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सारे रेप्टाइल्स और सारे एनिमल्स एक दूसरे से देखने में डिफर होते हैं। स्किन कलर अलग होती है, शेप एंड साइज डिफर होती है। इन सारे बॉक्सेस में भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही सारी चीजें अवेलेबल है जो कि ये सारे जीवाश्म। कुछ बहुत ही छोटे छोटे हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज कैमरामैन यहाँ दिखाइए कि इसको होम्योपैथी की मेडिसिन हम लोगों ने कभी ना कभी हर किसी ने खाई होगी। ये इतने छोटे हैं कि इनको इस छोटी सी बॉटल में बंद करके रखा गया है ताकि ये सेफ रह सके और जैसे ये करोड़ों वर्ष यहाँ है और पता नहीं कितने करोड़ वर्षों तक ये यहाँ पे सुरक्षित रहे। और इस सारे बॉक्स देखिए आप लोग बिल्कुल कि ऐसे ही कंटेनर्स में इसको बंद करके रखा गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज देखी, ये देखिए हिमालय के सारे फोटोज हैं, सब अलग अलग उसके अलग अलग प्रतिरूप का छोटे छोटे कन करके अलग एक नंबरिंग करके इनको ये पूरा एक जो बॉक्स है ये पूरा एक हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बॉक्स जो है वो सिर्फ हिमालय फॉसिल से ही के लिए सेपरेट यूनो किया गया है। यहाँ हम लोग फिर से देख सकते हैं ये बॉक्स में सारे स्नेल जो होते हैं वो सारी स्नेल की कैटेगरी की है। देख रहे हैं सारे अलग अलग टाइप्स के स्नेल है, सब अलग अलग कंटेनर में करके इनको रखा गया है बकायदे ताकि ये सुरक्षित रह सके।
अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए जो यहाँ की एक शान है या फिर अट्रैक्शन का मेन कारण है वह देखिए एग ऑफ डायनासोर। इसको लैमेटिना फॉर्मेशन ने यहाँ पर क्रिएचर्स ने बनाया, देख रहे हैं हम लोग इसको एक नंबरिंग करके यहाँ रखा है। ये बिल्कुल एक स्टोन का रूप ले चुका है, ये डायनासोर का एग जो है वो बिल्कुल स्टोन का एक रूप ले चुका है और इसको यहाँ पे रखा गया है। इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ दी गई हुई है, जो कि हम लोग अच्छे से शूट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसी बॉक्स में देखिए स्नेक के फॉसिल्स है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्नेक जो होता है वो व्हाइट कलर के अपनी फॉसिल्स हर जगह, उसको इस पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखते हैं, देखिए वहां पे स्विमिंग क्रैब का है, ये स्विमिंग क्रैब का बनाया गया है। फिर ये देखिए आर्मी क्रैब, ये सारे इसी प्रजाति के जितने छोटे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सबके बॉडीज को दिखाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ये काफी छोटा है और ये सारे स्नेल कैटेगरी के हैं। स्नेल हम लोग सभी जानते हैं, इसको हिंदी में घोंगा भी कहा जाता है, जो बारिश के दिनों में या तो हमारे घर के इर्द गिर्द मिलते हैं, ये सारे फसल जो है वो उसी के। दोस्तों देखिए ये डायनासोर का एक छोटा सा मॉडल है, तो बनाया गया ये 17 मिलियन ईयर्स अगो का लीजा डाइपर डायनासोर का ये बेबी है। देख रहे हैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो 74 फीट की जो है वेट इसका लेस मोर देन 14 टन्स हुआ करता था। तो उसकी जो ये है ये मॉडल है, तो देखने में छोटे होने के बावजूद बहुत क्यूट लग रहा है।